अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। और यहाँ पे मैं बघारा खाना चिकन का कौरमा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज तलने के बाद से रखी है और मैंने कुछ चार नाप चावल धो के रखी और इसके अंदर है कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची। तो धो के मैं इसको पानी में डाल के रखी और यहाँ प्याज लाल होते मैं इसमें डाल के अदरक लहसुन इसमें मैं डाल रही अदरक लहसुन। क्या हो ना क्या के देखो ढोने डाल दी ऊपर चला के देखी पास और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। क्या से कटरी पुदी ना मैं नहीं दी अदरक लहसुन डाली थी मैं इसके अंदर डाली कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अब इसमें डालती हूँ मैं गरम मसाला। मैं डाल रही हूँ लौंग इलायची। और डाल इसमें शाही जीरा। तो मैं 1 किलो बना रही थी इससे मैं अड़े भाप भाजी डाली नमक से। अब इसको मैं अच्छे से भाप के एक उबाल आने देती हूँ। तो मैं इसमें डाल रही चावल। तो उधर साइड में रख के मैं बस सारी रख देती हूँ ना। खाना इस पर करके सालन बना तो उसको मैं साइड में रखती और यहाँ पे और एक बगना चढ़ा के मैं सालन का ले लेता नहीं बाहर चावल है इसके अंदर तो यहाँ पे मैंने 2 डली या 3 डली प्याज डाल रही। तेल गरम हो गया था तो यहाँ पे हेलो गिर गया ऊपर जाके पूछ लिया ना पूछ लिया फिर बोल रही थी
तो मैं ये प्याज में आलू डाल के पन्ने के निकाल दूँ। उसको 5 मिनट इसमें कर लेती हूँ आलू को, उसके बाद निकाल के और यहाँ पे ना मसाले में हल्दी मसाला है लाल मिर्च 3 चम्मच डाल दें और नमक थोड़ा इसमें डाल दी प्याज जल्दी कट जाती और अदरक लहसुन को मिक्सर डाल दी अभी पतरा भी नहीं पकाइए जल्दी डालिए प्याज प्याज लाल हो गई थी तो मैं इसके अंदर डाली पाँच किलो भाई आलू निकाल के यहाँ पे रखे हुए करके तब मैं अच्छे से भाई को थोड़ा भून लेती हूँ। उसके बाद डाल के मैं इसके अंदर मसाला जो है पीस के रखी हो गया दम पे लेना है इसके अरे खुद इसके छोड़ जाए मैं खाने से धीमे अंदर से मतलब धीमा करके चिल्ला दम के देती हूँ बस को धीमे पे रखी दम पे लेती तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले फिर अच्छा ना कहाँ पानी डाल के जा रही कैसे निकाल लेते अभी नहीं डालते पहले अच्छे से पका लेते ये मसाले से तो यहाँ ना मैं मसाले डाल के अच्छे से उसको भूनी थी और उसको ढाक के रखी थी मैं 5 मिनट तो अब इसके अंदर डाल रही मैं चिकन ये धो के साफ करके रखी थी मैं इसके साथ ही डाल देती है मैं तले हुए आलू तो दोनों एक साथ गल जाते
आवाज आती है बर्तन आदा, तो इससे थोड़ा पानी डालती है गोश्त भी कुछ ना कहते। और इसको अच्छे से ढाप के पकाती गोश्त गले का, चिकन बोल बारे नींबू का जूस और यहाँ पे कोथमीर पुदीना हरी मिर्ची। अब साथ ही साथ चूल्हा भी साफ कर ली, तो बर्तन के थोड़े से वो भी धोके चूल्हे की भी साफ सफाई कर दी मैं। अब इसमें डालती मैं गर्म मसाले, गर्म मसाला डाल और अच्छे से दो तीन साल आने देती इसको, इसके बाद निकालती खाना निकाल रही निकल साल बन के आ रखी से अच्छे से तीन आग के ऊपर बैठ गए। तो निकाल रही मैं खाना और ये वीडियो मैं यहीं पैंक करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।